मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के अमृत नगर दरगाह गली में दुकान के सामने छतरी लगाने को लेकर दो दुकानदारों में जमकर मारपीट हुई है। ये पूरा मामला मुमरा पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच गया है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही इस गली का सुंदरीकरण का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान जो भी यहाँ पर हॉकर्स हैं उन्हें लोहे की बैरिकेड लगाकर उसके पीछे धंधा लगाने के लिए कहा गया था। यहाँ पर धूप की वजह से कुछ हॉकर छतरी भी लगाए हैं ताकि उन्हें धूप ना लगे, मगर संसार ट्रेडिंग सेल्स की जो दुकान है उसके मालिक हैं शेख साजिद और उनके बेटे का नाम है शेख सलीम। उनके दुकान के ठीक सामने ही एक जावेद नाम का लड़का है जो शर्ट और टी शर्ट का धंधा लगाता है। शेख साजिद ने बताया कि जावेद छतरी लगा रहा था जिसे मना किया गया कि छतरी मत लगा क्योंकि छतरी लगाने से उनकी दुकान नहीं दिखाई देती है। इस पर जावेद और शेख साजिद के बेटे शेख सलीम से तूतू-मैं-मैं हो गई और ये विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। शेख साजिद का आरोप है कि दुकान के अंदर घुसकर मारा गया है। हालांकि इस मारपीट के बाद दोनों तरफ से लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे अपनी शिकायत लेकर और मौके पर मुमरा पुलिस भी पहुँच गई। शेख साजिद का कहना है कि लाखों रुपए खर्च करके वो दुकान लिए और किराया लाइट बिल ये सब उन्हें भरना पड़ता है। ऐसे में हॉकर्स उनके दुकान के सामने लगा रहे हैं और छतरी लगाने की वजह से उनकी दुकान बंद हो जाती है। इस पूरे मामले में शेख साजिद ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख साजिद अहमद है, मैं इस दुकान का ओनर हूँ। कैसे यहाँ पर विवाद कैसे हो, क्या विवाद ऐसा हो गया कि सामने बाजार वालों ने यहाँ पे शानू भाई ने इनको छपड़ी लगा के दी, जगह दी कि भाई आप लोग बच्चे लोग यहाँ के लड़के हो आप लोग कारोबार करो, मगर आज दूसरा ही दिन है वो आके धंधा लगाया धरा छतरी लगा रहा था। मैंने बोला बेटा छतरी मत लगा, पूरी दुकान बंद हो जाएगी यहाँ से। तो बोला भाई जावे तू मेरे बेटे को ऐसा, उसने गाली दिया। तो बोला गाली से बेटे का शेख सलीम अहमद गाली दिया, गाली दिया, गाली दे के बोला अच्छा ठीक है, दोनों में कुछ हाथापाई हुई। उसके बाद बेटा समझा के चला आया, इसने अपने तीनों भाई को बुलाया, एक का नाम है क्या था बेटा जावेद, उसका बड़ा भाई और उसका एक छोटा भाई, तीनों आके मेरी दुकान में मेरे बेटे को खींच के ले जाके बाहर कुत्ते की तरह मारे। बोलते देखते तेरी दुकान कैसे चलती है। एक भाई अभी तक थे, उनका कहना था कि शायद आप लोगों ने पहले हाथ छोड़ा बाहर जाके। भाई कैमरे में है ना, वो भी किसी ने हाथ छोड़ा नहीं, मेरा बेटा तो किसी से कुछ कहता ही नहीं है, सिर्फ सबको कोऑपरेट करता है। भाई देखो आपका भी धंधा है, आप भी रोजी रोटी कमाओ, हमको भी कमाने दो। आपके बेटे से झगड़ा हुआ? हाँ बेटे से नहीं, उसने गाली दिया। तो बेटा गाली से क्यों बात कर रहा है, तू अभी भी धंधा लगाने यहाँ पे आया, खुशी खुशी धंधा लगा कारोबार कर, कुछ क्या बोलते अपना छतरी लगा के पूरा, अगर तू बंद कर देगा जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। छतरी लगाने को लेकर छतरी लगाने पे धंधा वो लगड़ा छुड़ हुआ और उसने गाली दी। छतरी लगाने से क्या प्रॉब्लम होती है आपको? छतरी लगाने से प्रॉब्लम होती है कि दोनों साइड की छतरी लगा के बंद हो जाती है पूरा, ये दुकानें सबकी छुप जाती है। इसी को मना किया, इसी के लिए मैंने मना किया, तो उसने गाली से बात किया। तो अभी क्या कंप्लेंट वगैरह? कंप्लेंट वगैरह बच्चे लोग गए चौकी में भेजा हूँ मैं कंप्लेंट। वहाँ बाहर बाहर नहीं, बाहर वहाँ थोड़ी बात थोड़ी मोड़ी झगड़ा हुई, फिर भाई ने आके लड़कों को खींच के ले जाके मारे, तीनों भाई ने मिलकर दुकान के अंदर। देखो डंडे से पाइप के रॉड से लिए है और लकड़े से डंडे से मेरे बच्चे को मार के यहाँ से बाहर से खींच के लेके गए। कंप्लेंट वगैरह कुछ किए? अभी कंप्लेंट नहीं, अभी चौकी में गए यहाँ पे ना मुमरा चौकी में, मेरा बच्चा वहीं पर ही है। मैं चाहता हूँ कि इन लोग के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, तो उनको ऐसे तरतीब दी जाए कि मेहरबानी करके दुकान वाले आज के 40,000-50,000 किराया दे रहे हैं, अगर उनका रास्ता रोका गया, अगर उनका धंधा नहीं हुआ तो किराया कहाँ से भरेंगे। कल ये हुआ कि दुकान वाले दुकान बंद कर देंगे और छपड़ी वाले राज करेंगे।